पेट में गैस की प्रॉब्लम सबसे ज़्यादा पाई जाने वाली प्रॉब्लम है। अगर आपको भी गैस की प्रॉब्लम है तो इससे कैसे निपट सकें, इसमें क्या खाएं, क्या न खाएं। पेट में गैस होने की वजह से अक्सर लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ता है। ऐसे में ज़रूरी है खाने में मूंग, चना, मटर, अरहद, आलू, तेज़ मसाले वाले भोजन ज़्यादा न खाएं और आसानी से पचने वाले भोजन, सब्जियां, खिचड़ी, चोकर सहित बनी आटे की रोटी, दूध, दही, मूली, गाजर, कद्दू, पालक, टिंडा, शलगम, अदरक, आंवला, नींबू आदि का इस्तेमाल ज़्यादा किया जाए। अगर आप गैस से पीड़ित हैं तो आपको कुछ चीज़ें करनी चाहिए। आपको खाना अच्छे से चबाकर खाना चाहिए, बीच बीच में ज़्यादा पानी ना पिएं। खाना खाने के बाद एक या दो घंटे बाद पानी पिएं। दोनों के बाद हल्का खाना फल ज़रूर खाएं और पानी भी थोड़ा गुनगुना पिएं और ऑयली फूड से परहेज करना चाहिए और बिल्कुल सादा खाना खाना चाहिए। नींबू का रस लेना चाहिए और अगर आप इसमें सेब का सिरका मिला लें तो यह बहुत फ़ायदेमंद है। कब्ज और पेट के भारीपन को ठीक करता है और इसके अलावा आपको 4 से 5 लीटर पानी पीना चाहिए। एक्सरसाइज रोज़ करनी चाहिए। सोने से पहले 2 घंटे पहले खाना चाहिए। खाना खाने के बाद घूमना फिरना चाहिए और दिन में सोना छोड़ दें। रात को देर तक जागने की आदत को बदलें और नशीली चीज़ों से दूरी बनाकर रखें, जैसे चाय, गुटखा, शराब, तंबाकू से बचें। और आप घरेलू उपाय भी अपना सकते हैं। 1 चम्मच अजवाइन को चुटकी भर काला नमक खाने के बाद चबाकर खाएं। इससे गैस तुरंत निकल जाती है। अदरक और नींबू का रस लेकर थोड़ा सा नमक मिलाकर इसको भी खाने के बाद खाएं। अगर आपको बहुत ज़्यादा जलन हो रही हो या गैस, तो आप पुदीन हरा लें। इससे आपको ठंडक महसूस होगी। अगर आपको ज़्यादा दिक्कत आ रही हो तो पानी में हींग मिलाकर लें, आपको फ़ायदा होगा। दोस्तों, अगर आपको हमारी दी गई जानकारी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें तथा बेल बटन दबाना न भूलें, ताकि आपको हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके।